नमस्कार दोस्तों, आज सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत ही आसान और बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ। डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए। डिज़ाइन 2 ही लाइन में कंप्लीट हो जाता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। बेहद खूबसूरत डिज़ाइन है और बनाना बहुत आसान, इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकता है और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डालेंगे, ये बेहद अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। ये डिज़ाइन 4 के मल्टीपल फंदों में है, तो मैंने 12 फंदे डाले हैं, 4, 8 और 4, 12। डिज़ाइन सामने की तरफ से डलेगा, तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉन्ग साइड से फंदे बढ़ा लीजिएगा। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से पहला फंदा या तो सीधा बुनेंगे या फिर स्लिप कर लेंगे। अब ऊन को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, ऊन दूसरी ओर। अब देखिए, नेक्स्ट 2 फंदे लेंगे और पहले फंदे को ऐसे उठाएंगे और इसके अंदर से चौथे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब इसे गिरा देंगे और अब तीसरे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उनको अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे 2 फंदे हैं। पहले हम तीसरे फंदे के अंदर ऐसे सिलाई डालेंगे और इसके भीतर से हम चौथे वाले फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे। चौथे वाले फंदे को सीधा बुना, इसे गिराया और अब तीसरे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदा उल्टा, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। अब देखिए, ये 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर, अब देखिए, ये 2 हम फंदे जिस पे हमने डिज़ाइन बनाया था, तो इन दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे, एक बार उल्टा बुनेंगे। अब चौथे फंदे को ऐसे साइड में कर देंगे और तीसरे वाले फंदे में एक बार और उल्टा। अब इन दोनों फंदों को गिरा लेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उन दूसरी ओर, अब देखिए, 2 फंदे सीधे हैं, इसे हम सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर, अब देखिए, ये 2 फंदे जिस पे हमने डिज़ाइन बनाए थे, अब इन दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे। अब चौथे वाले फंदे को हम साइड में कर लेंगे और तीसरे वाले फंदे में एक बार और उल्टा, एक बार और उल्टा। तो हमने 2 से 2 फंदे बना दिए। अब इसे गिरा देंगे उन दूसरी ओर। अब लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, तो 2 फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब इन्हीं 2 लाइनों को हमें बार बार रिपीट करना है। फिर से देखिए, पहला फंदा एज स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे या फिर स्लिप कर लेंगे। ऊन अपनी ओर करेंगे। अब देखिए, 2 डिज़ाइन, 2 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा डिज़ाइन वाला फंदा, तो तीसरे वाले फंदे को इसके अंदर से हम सिलाई डालेंगे और पहले चौथे वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। इसे गिराया, अब तीसरे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। फिर से देखिए, 2 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। अब अगले 2 फंदे हैं, तो
तीसरे फंदे के अंदर से चौथे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, इसे गिरा देंगे। तीसरे वाले फंदे को अब सीधा बुनेंगे। पहले हमने तीसरे वाले फंदे से के अंदर से चौथे वाले फंदे को सीधा बुना, फिर तीसरे वाले फंदे को सीधा बुना। लास्ट में देखिए तीन फंदे बचे हैं, तो दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे। देखिए दो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, इसे हम सीधा बुनेंगे उन अपनी ओर। अब दो फंदा उल्टा है, ये डिज़ाइन वाला फंदा, तो दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे, एक बार उल्टा बुनेंगे, दो का एक किया। अब चौथे वाले फंदे को साइड करेंगे और तीसरे वाले फंदे में एक बार और उल्टा। तो हमने दो से दो फंदे बना दिए। अब इसे गिराएंगे दूसरी ओर। अब देखिए यही हम चार फंदे हैं जिन्हें हमें बार बार रिपीट करना है। दो फंदा सीधा उन अपनी ओर, दो फंदा उल्टा है, तो इनसे हम इन दोनों को एक साथ लेकर एक बार उल्टा बुनेंगे, फिर चौथे वाले फंदे को साइड करेंगे, तीसरे वाले फंदे में एक और उल्टा, उन दूसरी ओर। तीन फंदे लास्ट में बचेंगे, तो दो फंदा सीधा और लास्ट फंदा उल्टा। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए मैंने इसे बनाया है, देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉन्ग साइड से ऐसा। चार फंदों का और दो लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। डिज़ाइन बेहद आसान और बहुत ही खूबसूरत है। देखिए इसमें थोड़े मोटे स्लाइस से बनाएगा, ऐसे देखिए कितना खूबसूरत सा उभार आएगा। इसमें बेहद खूबसूरत डिज़ाइन है फ्रेंड्स, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेहद खूबसूरत डिज़ाइन है, देखिए कितना सुंदर है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।